दीपक, क्या ये जो पूरा नंबर का गेम है इसमें विपक्ष के सामने ये चुनौती नहीं है कि वो बिल को गिराए, उनके सामने ये चुनौती ज्यादा है कि जो एकता की बातें कही जा रही हैं वो मैसेज देने में सफल नहीं है, ज्यादा बड़ी चुनौती है? देखिए, एकता की बात तो है ही, क्योंकि आज इंडिया का लिटमस टेस्ट भी होना है, लेकिन आम आदमी पार्टी की पुरजोर कोशिश है इस बिल को रोकने की राज्यसभा में। हमारे साथ राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, उन्हीं से सीधा बात कर लेते हैं। संजय जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है आम आदमी पार्टी के लिहाज से, आपने लगातार कोशिश की कि राज्यसभा में कम से कम इस बिल को रोक ले, कैसे रोक पाएंगे? आपको खुद सस्पेंड कर दिया गया पूरे सेशन। देखिए, मुझे तो क्यों सस्पेंड किया गया ये आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, दिल्ली भी जानती है और सरकार भी जानती है। सिर्फ इस बिल की वजह से मुझे पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, तो तानाशाही है, क्या कर सकते हैं आप। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उन्होंने लोकसभा में एक स्वर से इस बिल का विरोध किया और सब ने एक ही मुद्दा उठाया कि यह बिल अपने आप में गैर संवैधानिक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले के खिलाफ है, देश के संघीय ढांचे और संविधान के खिलाफ है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो पार्टी 1993 से लेकर 2015 तक लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत करती रही है, और इतना ही नहीं 2003 में बाकायदा आडवाणी जी एक बिल लेके आए थे दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का, क्योंकि वो 25 साल से दिल्ली में हार रहे हैं तो वो दिल्ली के अधिकार छीन रहे हैं। तो ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है। मैं नवीन पटनायक जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं और जगन रेड्डी जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आज भी मौका है, कृपा करके गंभीरता से सोचिए। ये कल उड़ीसा के भी अधिकार छीनेंगे, आंध्र प्रदेश के भी अधिकार छीनेंगे, अन्य राज्यों के भी अधिकार छीनेंगे। ये सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, ये पूरे देश में। बिल्कुल, तो संजय सिंह कह रहे हैं कि जिन लोगों ने लोकसभा में साथ नहीं दिया उन्हें एक बार फिर से गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ये संघीय ढांचे का सवाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।